दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल पे एप्लीकेशन का यूज करके मोबाइल रिचार्ज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको करना यह है, जब भी आप यूट्यूब पर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप लिंक से यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे और मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर बिजनेसेस एंड बिल का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बिल्स, रिचार्ज, स्पोर्ट और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अभी हमें मोबाइल रिचार्ज करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और रिचार्ज पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस भी मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना है आपको उस नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आपको याद नहीं है लेकिन आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर सेव है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी आपकी कॉन्टेक्ट की लिस्ट है यहाँ पर आपके जितने भी नंबर आपके फोन पर सेव है आ जाएंगे और यहाँ से आप जिस भी नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी दोस्तों आप देख पाएंगे जिस भी नंबर पर हमें रिचार्ज करना है हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली हमारे नंबर पर आ चुका है किस नाम से आपने फोन पर सेव किया हुआ है और ये जो नंबर है ये कौन सी कंपनी का नंबर है और कौन सा स्टेट का है। दोस्तों, अगर आपने कभी अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवाया है और आपको लगता है कि जो आपने सिम कार्ड आपका है, नंबर आपका है, वो एयरटेल का नहीं है बल्कि दूसरी कंपनी का है, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पर चेंज भी कर पाएंगे। मान के चलिए आपका एयरटेल का गलत दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में आपका मोबाइल नंबर वोडाफोन का है, वीआई का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और जिस भी स्टेट का आपका नंबर है आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट को और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, जितने भी आपके नंबर पर रिचार्ज प्लान है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फोर यू में आपको यहाँ पर अलग अलग प्लान दिख जाते हैं। इसके अलावा आपको स्पेशल रिचार्ज प्लान में यहाँ पर दिख जाते हैं। रोमिंग के प्लान अलग है और यहाँ पर टॉपअप भी आप करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमें ऐसा रिचार्ज करना है जिसमें हमें इंटरनेट भी फ्री मिले और एसएमएस भी फ्री मिले। तो यहाँ पर आप देखो स्पेशल रिचार्ज में आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्लान है और जिस भी प्लान को आप रिचार्ज करेंगे यहाँ पर उसकी वैलिडिटी आपको दिख जाएगी, कितने दिन तक वो प्लान चलेगा। उसके अलावा आपको कितना डेटा मिलने वाला है, इंटरनेट मिलने वाला है और साथ ही साथ में आपको कितने एसएमएस मिलेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा 199 का प्लान करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 28 दिन इसकी वैलिडिटी रहेगी और यहाँ पर आपको डेली का 1.5 GB डेटा मिलेगा और 100 SMS आपको डेली मिलेंगे 28 दिन के लिए। तो आप सबसे पहले अपने हिसाब से प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अभी हमें 129 का प्लान करना है तो अभी हमें रिचार्ज करेंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पे पे क्लिक करता हूँ, पे 129। उसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक का UPI पिन यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको नहीं पता कैसे अपना बैंक अकाउंट गूगल पे पर लिंक किया जाता है, कैसे यहाँ पर UPI पिन बनाया जाता है, तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अपना UPI पिन एंटर करके इसको डन कर लेते हैं। डन करते ही गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिचार्ज हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ अभी आ चुका है कि रिचार्ज हो चुका है और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे भी कट चुके हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से गूगल पे एप्लीकेशन का यूज करके मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं।